सोया कबाब्स बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सोया चंक्स। तो ये सादे वाले सोया चंक हैं, ये मैंने करीब 2 कप लिए हैं और इनको मैंने पानी में अच्छे से बॉईल कर दिया था और फिर इनको पानी से निकाल लिया था और ये अब ठंडे हो चुके हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा हरी मिर्ची और हरा धनिया। हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा अरारोट पाउडर, आटा, काफ़ी सारा लहसुन और अदरक, प्याज जिसको कि मैंने घिस लिया है, आप इसको घिस के ही डालें, इसको आप महीन चॉप नहीं करें या फिर इसको सामान के साथ पीसे नहीं। यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। तो ये धनिया पाउडर जो है वो काफ़ी दरदरा पिसा हुआ है, अगर आपके पास होल धनिया सीड्स हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत महीन वाला धनिया नहीं डालें, इससे इसके टेस्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर है नमक, कसूरी मेथी, और यहाँ मेरे पास ये चॉपस्टिक्स हैं जिसको कि आज मैं स्क्यूअर्स की तरह यूज़ करूँगी, अगर आपके पास स्क्यूअर्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेटल के स्क्यूअर्स अगर हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं ये लकड़ी की चॉपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ हमें चाहिए होगा तेल। तो सबसे पहले हम सोया सीख कबाब के लिए मिक्सचर बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये मिक्सी का जार लेंगे और अब हम इसमें ये सोया चंक्स डालेंगे। तो ये देखिए सोया चंक्स में अभी भी काफ़ी सारा पानी है, तो हम इस तरह से इसको स्क्वीज़ कर देंगे और इसका सारा पानी हटा देंगे कोशिश करके, और हम इनको मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो ये सोया चंक सीख कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप इनको बिल्कुल अच्छे से स्मोकी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इनको एपेटाइज़र्स के लिए बना सकते हैं, आप इनको कबाब बनाने के बाद ग्रेवी बनाइए और ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से इसका सारा पानी निचोड़ देंगे कोशिश करके। ये देखिए इसमें कितना सारा पानी था, हमने इसको पूरा निकाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये खड़ा ज़ीरा, अदरक और लहसुन, ये काफ़ी सारा अदरक लहसुन है क्योंकि इसमें जो रॉ चीज़ें हैं उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हम इसमें काफ़ी सारा अदरक लहसुन और काफ़ी सारी हरी मिर्ची डालेंगे इसमें, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और ये है रफली चॉप्ड हरा धनिया, और अब मैं इन सब चीज़ों को पीस कर इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए हमारा मिक्सचर अब बनकर बिल्कुल तैयार है, और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए जब हम सोया चंक्स को पीसते हैं तो ये एकदम पेस्ट टाइप का नहीं बनता है, ये हल्का सा दरदरा ही पिसता है। और अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। इसमें मैं मिलाऊंगी ये लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है कसूरी मेथी जिसको कि मैं हाथ से हल्का सा क्रश कर दूंगी। हम इसमें डालेंगे धनिया, नमक, इसमें डालेंगे ये प्याज जिसको कि मैंने घिसा हुआ है, तो हम ये प्याज लेंगे और इसका हम सारा पानी इस तरह से निकाल देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से निचोड़ दिया है और हम इसको इसमें डाल देंगे। हम डाल देंगे इसमें ये आटा, और इसमें मिलाएंगे हम ये अरारोट या कॉर्नफ्लावर, और हम इसमें डालेंगे करीब 1 से 2 टीस्पून के तेल, और इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये काफ़ी मज़ेदार बनती है क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारा अदरक लहसुन मिलाया है, कसूरी मेथी मिलाई है, प्याज मिलाई है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो इसमें इन सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। ये देखिए हमारा मिक्सचर अब बनकर बिल्कुल तैयार है। इस समय आप इसमें नमक हल्का सा चेक कर लें, तो इसमें नमक एकदम परफेक्ट है। तो अब हम अपना ये चॉपस्टिक लेंगे या जो भी आप स्क्यूअर यूज़ कर रहे हैं वो लें, इसको हम हल्का सा तेल से मॉइस्ट कर देंगे जैसे कि इस पर हम जब कबाब को निकालें तो वो आसानी से निकल पाए इस पे से। और ये देखिए, और अब मैं ये इस तरह का मिक्सचर लूँगी हाथ में और इसको इस तरह से हम बॉल का शेप बनाएंगे और इसको हम इस तरह से इसमें डालेंगे, और ये देखिए हम उंगलियों से इसको इस तरह से दबा देंगे नीचे से, इस तरह से इसको अच्छे से एक सा कर लें जिससे कि निकालते समय फटेगा नहीं। ये देखिए आप हल्के हाथों से इसको उंगलियों से इस तरह से दबाएं, तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, और आइए अब हम इसको सेक लेते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको इस तरह से इसमें से निकाल देंगे
और तेल में डाल देंगे। तो हम इसके ऊपर हल्का सा तेल इस तरह से डाल देंगे और मैं इसको अभी मीडियम फ्लेम पे सेक रही हूँ। हम इनको अभी एकदम से नहीं पलटेंगे, हम थोड़ी देर बाद इनको पलटेंगे जब ये हल्के से सिक जाएंगे एक साइड से। ये देखिए हम इसको हल्का सा इस तरह से पलटेंगे। और अब हम इनको सेक लेंगे। ये देखिए सिक कर बिल्कुल तैयार है, हम इसको निकाल लेंगे। और आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें स्मोकी फ्लेवर कैसे देना है। ये देखिए मैंने इसको वापस से स्क्यूअर में डाल दिया है और अब हम इसमें स्मोकी स्मेल डालेंगे। तो हमने ये गैस को ऑन कर दिया है और अब हम इसको इस तरह से गैस के ऊपर दिखाएंगे। तो इससे इसमें बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी स्मेल आएगी और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये देखिए इस तरह से हमको इसको बहुत धीरे धीरे रोल करके बर्न करना है। आप चाहे तो इनको अवन में भी बना सकते हैं। तो जब आप पहली बार में ही इसको आप इनको फ्राई ना करें, इनको आप अवन में डाल दें और बेक कर सकते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है ये, और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह से मैं बाकी सारे कबाब बना